हमने ऑर्डर किया था इंडक्शन वाले बर्तन, तो वो आ चुका है फ्लिपकार्ट से। हमने ऑर्डर किया था, देख सकते हैं यहाँ पे फ्लिपकार्ट की ब्रांडिंग है और ये आज हमारे पास पहुँच चुका है। तो हम इसको ओपन करके देखेंगे कि कैसा प्रोडक्ट आया है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो हम इसको सबसे पहले ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के लिए सबसे पहले इसके टेपिंग हटाते हैं। यहाँ से हटा लेते हैं अपन। तो यहाँ से कट कर लिए हैं और इसको दोनों साइड से कट कर लेते हैं, इधर से भी कट कर लेते हैं। ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये इसकी कटिंग हो गई है। इसको ओपन करने के लिए देखते हैं कि किधर से ओपन होगा। ये पूरी तरह से चार कोने से लॉक है, तो इसको यहीं से काटना पड़ेगा। ये इसको पूरी तरह से यहाँ से ओपन कर लेते हैं। इसको हमने ओपन कर लिया है जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये पूरा ओपन चुका है। और इसको रख देते हैं साइड में। अब देखते हैं इसके अंदर क्या क्या मिलने वाला है आपको। तो फ्रेंड्स, इसकी मैंने प्राइस भी बताई आपको। इसकी टोटल प्राइस होने वाली है करीब 800-989 रुपये थी। तो फ्रेंड देख सकते हैं ये इसका ढक्कन है, जो कि देख सकते हैं आप मेरे पास पहुँच चुका है। और इसकी क्वालिटी देख सकते हैं आप, ये डैमेज लग रहा है पूरा। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे पूरे डैमेज है और ये ऐसा है जैसा यूज किया हो ऐसा मेरे को लग रहा है, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पे गंदा है। और दूसरा प्रोडक्ट देखता हूँ मैं। यहाँ पे हमको ये टोटल इसमें 26 मिल रहे थे, एक पीस हो गया, ये दो पीस है, तीसरा पीस है और ये चौथा पीस है और ये पांचवा पीस और ये तवा है, छठवा पीस है। तो बाकी देख लेते हैं हम कि बाकी प्रोडक्ट कैसे हैं। और इसमें तवे में नहीं लगा हुआ है, इसको लगाना पड़ेगा। और बाकी में सभी प्रोडक्ट सारे लगे हुए हैं। इसमें पूरा धूल मिट्टी लगा हुआ है जैसे कि आप देख पाएंगे। यहाँ पे ब्रांडिंग फाड़ दी गई है और यहाँ पे दो नट बोल्ट चाहिए, तो यहाँ पे सिंगल नट बोल्ट मिला है हमको, इसको खोल के इसके अंदर डालना पड़ेगा। और बाकी प्रोडक्ट देख सकते हैं बाकी प्रोडक्ट में क्या है। और इसकी फिनिशिंग देख सकते हैं कि ठीक ठाक ही है। बाकी प्रोडक्ट देखते हैं। ये कढ़ाई की क्वालिटी ठीक है, लेकिन इसमें ये जो लगा हुआ है थोड़ा टाइट करना पड़ेगा। ये पता नहीं फ्रेंड्स से पहले से लगा हुआ आता है या निकला हुआ आता है, हमारे में तो लगा हुआ है, इसको बाद में लगाना पड़ता है, लेकिन इसमें पहले से सेट है। ये भी ठीक ठाक कंडीशन की है, ये करीब 3 लीटर की है जी, फिनिशिंग ठीक ठाक ही है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बाकी प्रोडक्ट देखते हैं। ये पेन है, देखिए कि ये भी ठीक ठाक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा इसकी बिल्ड क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन ये जैसे जिस प्राइस रेंज में है उस प्राइस रेंज में अच्छा है, बड़े बड़े प्रोडक्ट मिल रहे हैं देखने को। यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे छोटा पेन है, इसमें भी जो ये भी उतना बेहतरीन नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल गंदा गंदा लगा है, जैसा कि यूज किया हुआ हो। इसमें किसी प्रकार की ब्रांड नहीं, जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं इसमें लगा हुआ है ब्रांड, और इसमें भी अपना ब्रांड लगा के रखा, लेकिन इसमें ब्रांड नहीं लगा हुआ है। इसको देख
सकते हैं, ये इसमें भी देखिए ब्रांड लगा हुआ लेकिन उसमें नहीं लगा हुआ, मैंने आपको बोल रहा था जैसा कि यूज किया हुआ लगता है, लेकिन ठीक है ये भी ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जो ऊपर से कोटिंग की गई है ये कलर की, ये थोड़ा हमको दिक्कत सी लगती है, इसमें देख सकते हैं पूरा स्क्रैच भी है, ये देख सकते हैं यहाँ पे पूरे प्रोडक्ट में स्क्रैच है। और अब बात आती है कढ़ाई की, ये कढ़ाई और बाकी तो ठीक है, कढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो इसका ढक्कन है वो ढक्कन इसका थोड़ा पहले से दबा हुआ है लग रहा है, देख सकते हैं ये ढक्कन को चेंज कर दिया है, ये ढक्कन पूरी तरह से फिट तो हो रहा है, पूरी तरह से फ्रेंड्स फिट भी नहीं हो रहा, थोड़ा दिक्कत कर रहा है, और ये बहुत पतला है फ्रेंड्स, ऐसे देख सकते हैं इसकी पूरा ये इसमें बिल्ड क्वालिटी इसकी ख़राब कर दी गई है, और इसमें पता नहीं यूज किया हुआ मेरे को लगता है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ लगा हुआ है और ये ढीला है पूरा, और यहाँ पे देख सकते हैं इतना पसंद नहीं है, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे दबा हुआ है और यहाँ पे पूरा दबा हुआ है, ये सबसे ऊपर रखा हुआ था यहाँ भी पूरा दबा हुआ है, इतनी अच्छी इसकी डिलीवरी नहीं होती, बाकी प्रोडक्ट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो फ्रेंड्स इसको बताइएगा कि हम लौटाएँ या रहने दें, क्योंकि ये हमको पुराना दे दिया गया है, ये किसी ने लापरवाही ही किया होगा, क्योंकि कभी कभी क्या कहता है फ्लिपकार्ट अमेजोन सबकी यही आदत है पुराना प्रोडक्ट देखे, कुछ लोग क्या होते हैं रिटर्न करने के लिए नहीं सोचते हैं, इस कारण से ये पुराना चीज चिपका देता है, ये देख सकते हैं हमको ये पुराना दे दिया है, बाकी तो सब न्यू है, बस वही पुराना दे दिया मेरे को, इसको पुराना दे दिया है, और देख सकते हैं ये पूरा टूटा फूटा लग रहा है। अब बात करते हैं कि इसको क्या किया जाए, हमने तो पैसा न्यू का दिया था लेकिन इन्होंने हमारे साथ थोड़ा गेम खेल दिया है, फ्लिपकार्ट की यही सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि वो अपने प्रोडक्ट को सही ढंग से डिलीवर नहीं कर पाता है, और दिक्कत होती है हम लोगों को, क्योंकि हम लोग जब इसको देख सकते हैं बाकी जो, और इसको मैंने देखता हूँ कि इसका सिस्टम क्या है, क्योंकि इसमें केवल एक ही नट दिया गया है, एक नट के सपोर्ट में कितना ये काम कर सकता है यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इसको सेट करके देखेंगे, से पता नहीं हैंडल भी किसका दे दिया है, क्योंकि इसमें जो सेट हो रहा है वो इतने में सेट हो रहा है, लेकिन इसका जो यहाँ पे इसको है वो सही ढंग से सेट नहीं हो पाएगा, यहाँ पे होगा और ढीला रह जाएगा, और यहाँ पे देख सकते हैं इसके इसमें होल भी नहीं है, ये देख सकते हैं आप, अगर कैमरे में सही ढंग से दिख पा रहा होगा आपको, यहाँ पे इसका होल भी नहीं है, और कैसे सेट करेंगे ये देख सकते हैं, यहाँ पे होल भी नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, और एक नट दिया है संगत, तो एक नट से तो थोड़ा दिक्कत वाली बात हो सकती है, देख सकते हैं मैंने काफ़ी कार्डर किया था और ये कम से कम दिखा रहा था मेरे को कि करीब हमने ऑर्डर किया था लगभग एक सप्ताह पहले, तो ऐसा था कि लगभग आना था ये करीब 10 दिन में, लेकिन ये 10 दिन के पहले ही आ गया है, 5-6 दिन में आ गया है। तो फ्रेंड्स बताइएगा आपकी इसको कैसे सेट होगा, हमको तो फ्रेंड्स लगता है कि ये सेट नहीं हो पाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये सेट होने के लिए नट बोल्ट इतने में आता है, इतने में कोई पेन नहीं रह सकता है, और बाकी जो है पहले से सेट किए हुए हैं, केवल इसी का ये बाहर है, तो पता नहीं ऐसा क्यों बाइंडिंग करते हैं लोग, क्या दिक्कत आती है इनको अच्छे से पैकिंग करने में, क्योंकि हम इसको सेट नहीं कर पाएंगे, इस कारण हमको ये लौटाना पड़ सकता है, क्योंकि ये इतना अच्छा जो भेजे हैं वो सही नहीं है। तो फ्रेंड बताइएगा कि इसको क्या करें, लौटाएं या रहने दें, क्योंकि इसको यहाँ पे पंच करके कुछ करना पड़ेगा सेट करने के लिए, ये प्रॉपर सही तरीके से नहीं, इसीलिए नहीं उन्होंने लगा के नहीं दिया, डायरेक्ट डाल के दे दिया है, ये हमारी समस्या नहीं हो सकती है, उनकी समस्या हो सकती है, इस कारण से उनको रिटर्न करना पड़ेगा,
और ये पैकिंग देख सकते हैं आप, नॉर्मल पैकिंग थी इसकी, और सबसे ऊपर इसको रख दिया गया ताकि ख़राब हो गया पूरी तरह से। बाकी प्रोडक्ट तो ठीक है और ये सेट नहीं हो रहा था, तो बाकी देख सकते हैं प्रोडक्ट जैसे ये तो मान लीजिए पहले से सेट आना चाहिए, लेकिन ये जो है तो ये पहले सेट नहीं आता है, ये खुला हुआ रहता है। लेकिन देख लीजिए इसको सेट करके दिए हैं, ये ढीला है टाइट है, बाकी ये सभी सेट आने चाहिए था। लेकिन जो इसका तवा है ये तवा भी ये सेट कर सकते हैं, लेकिन नहीं किए क्योंकि इसमें नट बोल्ट में छेद नहीं है और इसको हम नहीं कर सकते अपने से, तो इस कारण से हमको अब शायद रिटर्न करना पड़े, कोई ऑप्शन नहीं है। अगर हम कर पाएँ तो अच्छा है, नहीं कर पाएंगे तो हमको फ्रेंड्स रिटर्न ही करना पड़ेगा। फिर फ्रेंड मिलते हैं अगले वीडियो पर, बताएँगे यूज़ करने के बाद कैसा लगा और हम क्या रिटर्न कर सकते हैं क्या नहीं। लेकिन ये देख सकते हैं फ्रेंड्स ये बहुत पतला होता है, इसको तोड़ के हम सेट करेंगे सबसे पहले, ये टूट जाएगा आराम से क्योंकि ये इसी की यूज के लिए। लेकिन यहाँ पे सिंगल नट दिया है और हम कैसे कहाँ से परचेस करेंगे इसमें, जला कि इसमें डबल नट के लिए पोजीशन दी गई है। फ्रेंड मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक का चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, इसी प्रकार के वीडियो हम डालते रहते हैं।